चोरी का फल। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बेटे और एक बेटी थी, मोहन, मदन और श्यामा। तीनों हर रोज गांव के बाहर स्थित स्कूल में पढ़ने जाते थे। किसान अपने तीनों बच्चे को बहुत प्यार करता था। उसका सपना था कि उसके तीनों बच्चे पढ़ लिख के अच्छे और बड़े आदमी बने। तीनों बच्चों को नारियल के लड्डू बहुत पसंद थे, इसीलिए माँ ने घर पर ही नारियल के स्वादिष्ट लड्डू बनाकर रख दिए थे और रोज स्कूल जाते समय उन्हें एक एक लड्डू दिया करती थी। माँ ने तीनों बच्चे को समझाया था कि उन्हें हर रोज सिर्फ एक ही लड्डू मिलेंगे, एक से ज़्यादा लड्डू रोज खाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। माँ ने उन्हें ऐसा डराने के लिए कहा था ताकि लड्डू ज़्यादा समय तक चले, कुछ ही दिनों में ख़त्म ना हो जाए। एक दिन घर पर कुछ मेहमान आए, उनको लड्डू देने के लिए जब माँ ने लड्डू का डिब्बा खोला तो वह दंग रह गई। उसमें से आधे से अधिक लड्डू गायब थे। माँ तुरंत समझ गई कि उसके बच्चे लड्डू चोरी कर खा रहे हैं। माँ ने यह बात किसान को बताई। किसान को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वह इतने मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहा था, उसके बच्चे यदि चोरी जैसी गलत काम करना सीख रहे हैं तो उसके लिए बड़े शर्म और दुख की बात थी। किसान के लिए यह पता लगाना बहुत मुश्किल था कि उसका कौन सा बेटा लड्डू चोरी करके खा रहा है। फिर अचानक किसान को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि नारियल के लड्डू में नीम के पत्ते का रस मिला दे। किसान की पत्नी को यह तरकीब अच्छी लगी और उसने ऐसा ही किया। दोपहर के बाद जब तीनों बच्चे स्कूल से लौटकर घर आए तो माँ उन्हें खाने देकर गाय को चारा डालने के लिए घर के बाहर चली गई। कुछ ही समय बाद किसान का दूसरा बेटा यानी मदन घर के मुख्य द्वार पर आया। उसने दरवाजे पर ही सब खाया पिया उलग दिया। मदन का चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में खूब पानी बह रहा था। तभी किसान और उसकी पत्नी भी घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए। वे दोनों समझ गए कि उसका दूसरा बेटा मोहन ही लड्डू चोरी करके खा रहा था। माँ ने पानी से मोहन का मुंह साफ कराया और उसे घर के अंदर ले गई। किसान ने बड़े बेटे मोहन और छोटी बेटी श्यामा को मदन की करतूतें बताई। उन्हें भी पिता को बताया कि मदन हर रोज स्कूल के रास्ते में पड़ने वाली बगीचा का फल चोरी करके खाता। यह जानकर किसान और उसकी पत्नी और दुख हुए। किसान ने क्रोधित होते हुए यह कहा कि कल से मदन अब स्कूल नहीं जाएगा, वह मेरे साथ खेतों में मजदूरी किया करेगा। यदि उन्हें चोरी ही बन करना है तो उनका पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं। उधर मदन की रो रो कर हालत ख़राब थी। उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। मदन ने अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हुए कहा, आगे से चोरी नहीं करूँगा। पिता ने उसे समझाते हुए कहा, देख बेटा, चोरी करने से अपमान ही मिलेगा। यदि सम्मान चाहते हो तो अच्छे काम करना पड़ेगा। अब तुम्हें
खुद फैसला करना होगा। अपमान चाहिए या सम्मान, मदन ने निश्चित किया कि अब वह ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसकी माता पिता को दुखी हो या अपमान मिले। उसका प्रार्थना से किसान ने उसे क्षमा कर दिया और अब से वह कभी चोरी नहीं किया। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है कि चोरी करना बहुत बुरा काम है, इससे व्यक्ति को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। चोरी कभी ना करें। यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।